हाय एवरीवन, माय नेम इज़ लक्ष्मण गुरुंग और आप देख रहे हैं हमारा शो इन कॉन्वर्जेशन विथ रैपिड लीक्स, जिसमें हम उन हस्तियों को बुलाते हैं जिन्होंने एक अल्टरनेट वे ऑफ लाइफस्टाइल चूज़ किया है। स्टैंड अप कॉमेडियंस, म्यूजिशियन या पोएट्स, कुछ भी कह लें, ये स्टोरी टेलर्स हैं हमारी सोसाइटी के। और इसी सीरीज़ में आज हमारे जो गेस्ट हैं, इनका नाम है मिस्टर रवि गुप्ता। इनका रिसेंटली एक वीडियो वायरल हुआ है और हम इनसे बात करेंगे इनकी स्टैंड अप कॉमेडी जर्नी, इनके बैकग्राउंड और इनके फ्यूचर प्लान्स के बारे में। आइए मिलते हैं मिस्टर रवि गुप्ता से इन कॉन्वर्जेशन विद रैपिड लीक्स में। YouTube चैनल का नाम है रवि गुप्ता और शुद्ध देसी कॉमिक ये नाम मैं फेसबुक पे है और इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे है। शुद्ध देसी कॉमिक ये आया है जब मैंने स्टैंड अप कॉमेडी शुरू करी तो मेरा सारा जो ह्यूमर है, जो चीज़ें हैं, वो नॉर्दर्न इंडिया, अच्छा, यूपी और यहाँ के बनारस, लखनऊ, कानपुर से शुरू किया है। फिर वहाँ से होते होते दिल्ली। कौन से साल से शुरू किया वैसे ये? साल मैंने लगभग 2.5 साल पहले मैंने ये चीज़ शुरू करी। स्टैंड अप कॉमेडी जैसी विधा कोई है, ये चीज जो है उतनी एक्सपोज नहीं हुई थी तब भी। राजू श्रीवास्तव वाली चीजें चल रही थी, द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज और वो सब चीजें, वो देख के मजा आता था बट कभी सोचा नहीं कि वो करेंगे। हाँ, मेरे को लगता था थिएटर मैंने कॉलेज में किया, बहुत घटिया एक्टर हूँ मैं मैंने अपने प्ले की ऐसी तैसी कर दी थी तो मुझे याद है। तो ये भी था कि हाँ, ये तो नहीं कर पाऊंगा मैं, बट मुझे हमेशा लगता था। जॉब शुरू किया मैंने, 1-2 साल बीत गए, और हमेशा मुझे लगता था कि यार कुछ तो ऐसा है जो इस जॉब के अलावा भी है, जो मैं कुछ कर सकता हूँ। ये तो जॉब चल रही, वो तो चल रही, सही है, बट इसके अलावा कुछ और है जो मैं नहीं किए बिना जी रहा हूँ, वो करना जरूरी। फर्स्ट रियलाइजेशन कब आई थी कॉमेडी की तरफ, लाइक स्टैंड अप की तरफ, कि हाँ ये ट्राई करते हैं? स्टैंड अप कॉमेडी में मैंने देखा कुछ यूट्यूब पे वीडियो देखे, ठीक है, और उसके बाद देखा कि यार ये तो बहुत सही चीज है। तो मेरी बात जाकिर खान से हुई थी, उनसे फेसबुक पे बात, हाँ फेसबुक पे उनसे चैट हुई, तो उन्होंने बोला कि ओपन माइक जैसी चीज़ होती है वहाँ पे आप शुरू करिए ये चीज़। तो मेरे को लगा यार ये तो बहुत सेक्सी चीज़ है, मैं जॉब के साथ में ये कर सकता हूँ अपने। ये कब की बात है, मतलब जाकिर भाई इसके? वही 2.5 साल पहले। अच्छा, 2.5 साल पहले तो वो आगे बहुत आगे पहुंच चुके, वो थे काफी बड़े, उन्होंने वो हम्बल है कि उन्होंने रिप्लाई किया, ठीक है। तो मुझे पता चला कि अच्छा ये चीज़ें हो सकती है। उसके बाद द बेस्ट थिंग किसकी स्टैंड अप कॉमेडी इंडस्ट्री में सारे लोग इतने हम्बल थे कि मैंने बहुत सारे और लोगों को फिर मैंने मैसेज करना शुरू किया कि मुझे शुरू करना है। तो लाइक जीवेशु और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने रिप्लाई किया। अच्छा, आप डायरेक्ट मतलब इन्हीं से ही मेंटरशिप लेके आ रहे हो? नहीं, मेंटरशिप जैसा कुछ नहीं था, बट ये था कि इन लोगों ने हेल्प करी अपने तरीके से, कि एक रैंडम बंदे ने आपको मैसेज भेजा कि मैं कैसे स्टैंड अप कॉमेडी शुरू करूं, और सबने बोला कि भाई इनसे आप बात कीजिए, इनसे और इस तरीके से आगे बढ़िए। तो इस तरह से मेरा पहला ओपन माइक हुआ। मौत कुछ सोच के गए थे, मतलब हर कोई सोचता है बहुत इजी है ओपन माइक ही, तो नहीं नहीं आप, मुझे भी यही लगा था, मुझे लगा था कि यार मैं तो फाड़ने वाला हूँ। ये क्या है, तो मैं भी सुना, हाँ, अभी मुझे भी लगा था कि यार ये कहानियां सुनानी है और मेरे पास इतनी बढ़िया कहानी है, बनारस की कहानी बचा देंगे, लेकिन कोई हंसा ही नहीं। और उसके बाद पे कंप्लीट किया, मगर वो 4-5 मिनट का स्लॉट मिलता है, तो 5 मिनट का स्लॉट था, मैं बस 3 मिनट किया, उसके बाद मैंने छोड़ दिया, मैंने बोला हो ही नहीं रहा मुझसे। हाउ टू राइट, देखिए इसमें मुझे लगता है कि 50% दोनों चीजें हैं, 50% राइटिंग है, 50% परफॉर्मिंग ही, आप किस तरह से चीजें कन्वे कर रहे हैं लोगों को। प्लस अगर आप कुछ भी लिख रहे हो बट अगर वो कुछ रॉकेट साइंस जैसा होगा तो लोगों की समझ नहीं आएगा। आप ऐसी चीजें लिखो जो आसानी से लोगों को रिलेट कर पाए, ठीक है, मतलब इजी तो वही होगा, वही तरीका सही होगा। बाकी और अलग अलग तरीके की कॉमेडी होती है, उसमें एक अलग इंटेलेक्चुअल ह्यूमर होता है और सब चीजें, बट द थिंग इज कि वो चीज बताओ जो लोगों को समझ। तुम अपनी पर्सनल कहानी, अपने बेस्ट फ्रेंड वाली कहानी बता रहे हो, तुम एक बंगाली दोस्त की कहानी बता रहे हो जो बंगाली में बात करता है, तो बाकी लोगों को समझ में, जो बंगाली बात नहीं करते उनको समझ नहीं आएगा। तो आपको थोड़ा जेनरिक सी चीजें होनी पड़ेंगी,
और सबको समझ में है, उस तरह की चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी। मैं एक बार गुड़गांव में परफॉर्म कर रहा था ये चीज़ें देखो यार ये होती है, मैं बात बता रहा हूँ, एक इंसिडेंट बता रहा हूँ कि गुड़गांव में एक बार परफॉर्म कर रहा था मैं, आप और मैं होस्ट था वहाँ का। तो सबसे पहली बात तो आपका कंट्रोल नहीं होता लोगों के ऊपर, आपके पास 10 लोग बैठे हैं अलग अलग, आपको समझ नहीं आएगा कि ये बंदे की विचारधारा क्या है और ये बंदे की विचारधारा क्या है। आप तो एक ऑडियंस है आपके सामने बस, बट आपको नहीं पता होगा कौन कैसे रिएक्ट कर जाए। तो ऐसे मैं परफॉर्म कर रहा था और आई वॉज होस्टिंग द शो, और एक बंदे ने कुछ तो धार्मिक चीज़ों पर बात कही जो कि हल्का सा जोक था किसी और कंटेस्टेंट ने, हाँ किसी और ने, बट एक बंदा आ गया स्टेज पे और बोला कि क्या बात कर रहे हो, किस तरह की बातें कर रहे हो। तो मैं तुरंत स्टेज पे आ गया उसको पीछे करके, मैंने बोला भाई क्या प्रॉब्लम है, मैंने बोला क्या प्रॉब्लम है बताओ। तो बोला कुछ नहीं, वो मैंने बोला वो तो यार हल्के फुल्के जोक से ठीक है, सो के ख़त्म करो बात। उसने बोला हाँ ख़त्म करते हैं, जय श्री राम बोल दो तुम तो मैं गुड़गांव में था, उसने दारू पी रखी थी, मैंने बोला जय श्री राम, मैं नहीं चाहता मेरे पेट में चाकू छोड़ के चला गया वो तो उस दिन तैयार नहीं थे मैं किसी दिन इस चीज़ के लिए तैयार नहीं था ना यार, वो ऐसी स्थिति में तो नहीं, मैंने बोला इट्स ओके बोलने में कोई प्रॉब्लम है नहीं तो फिर उसको कुछ लोग आए पकड़ के और ले गए और बोले कि यार स्टैंड अप कॉमेडी चल रही है यार, ऐसा क्या है तुम प्रॉब्लम क्यों इतनी इकट्ठा कर रहे हो। उसको वापस छोड़ के आए, वापस आए, माहौल थोड़ा शांत हुआ, फिर मैं स्टेज पे आया, मैंने बोला कि मोदी जी के फैन कौन कौन है, तो वो बंदा जो उसको छोड़ के आया था वो खड़ा हो गया बोला कि मोदी कुछ नहीं बोला। मैं सबसे पहले अपने ऑफिस में अपने दोस्तों के बीच सुना था, अच्छा, ये एक पंचिंग बैग जैसा है। हाँ कि चलो यार आपसे ही बातें करते करते मैंने टेस्ट कर दिए 4-5 जोक्स, ठीक है हंस दिए, उसके बाद कहीं और फिर सुना, फिर ओपन माइक में ले गया। तो ये 2-3 स्टेप्स होते हैं, यहाँ पे लोगों को मजा आ रहा है, ठीक है। तो उसके बाद फिर आप एकदम होता है एक पैरामीटर की यार यहाँ तक अब देख लिया मैंने, अब ये शो में हम डाल सकते हैं। अच्छा। अब जो लोग पैसे दे के आएंगे वो वर्थ है उनके लिए कि हाँ ये जोक जो है उनको फनी लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा टेस्ट हो चुका है, टेस्ट हो चुका है। तो एक होता है एक लंबी जर्नी होती है, तो जो दोस्त है उसको ये सारे स्टेप बिना पार किए वो सीधा की भले, बहुत सारे यूट्यूब चैनल ऐसे ही आ गए जो घर पे बैठ के पर्दा लगा के कर रहे हैं और फेक लाफ्टर फेक लाफ्टर डाल रखा है, और टाइटल भी ऐसे हैं कि बेस्ट स्टैंड अप कॉमेडी इन इंडिया, तो वो लेकिन वो पता चल जाता है, पता चल जाता है। वो आपके रिएक्शन और चीजें आपके पता चल रहा है कि 4 दोस्त लाइक कर देंगे, अरे भाई मचा दिया एकदम, ये फाड़ ही दिया, ऐसी तैसी कर दी तुमने, तो ऐसी तैसी वो बस उसके घर पे हुई है बस। इतने दिनों में मैं इतना तो बता सकता हूँ जो एकदम नए ओपन माइकर हैं, ये जो सोच रहे हैं कि स्टैंड अप कॉमेडी शुरू करें और ये मस्त एक दिन में मैं स्टार बनूंगा, तो एक लंबा वक्त लगता है, आपको बहुत धैर्य की ज़रूरत होती है, पेशेंस रखना पड़ता है, आपके जोक्स बॉम्ब होंगे बार बार, आप उसे फिर से लिखोगे, आप और लोगों को किल करते हुए देखोगे आपके सामने, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे आए हाय मेरा कैसे नहीं चल रहा है, मेरे भी क्या कमी रह गई तो ये चीजें ये सब चीज़ें अगर आप ईमानदार हैं अपने पैशन के प्रति, और अगर आपका उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना है और सिर्फ फेम कमाना है, तो वो तो आपको खुद ही आपकी जर्नी में पता चल जाएगा। यहाँ पे तुम गर्लफ्रेंड को टाइम नहीं दे रहे हो, मेरी तो थी भी नहीं तो दिल्ली आने के नहीं थी या कभी से नहीं थी यार, मतलब बहुत नहीं थी ये सब चीजें, यही देखो यही सब चीजें कंटेंट देता है ना, तुम्हारे रिलेशनशिप ब्रेकअप और तुम्हारे किसी से बहस लड़ाई, और अगर तुम यूपी वगैरह से हो या जहां से भी हो, हर जगह की एक रीजनल कुछ ना कुछ ह्यूमर होता है। मैंने जब स्टैंड अप कॉमेडी देखनी शुरू करी थी तो इंग्लिश कॉमेडियन ही ज्यादातर दिखते थे, इंग्लिश में करते हुए, तो मुझे लगा ये तो मुश्किल है भाई, बट मैंने कुछ लोगों को देखा जैसे संदीप शर्मा, जाकिर खान या अमित टंडन, और ऐसे लोगों को देखा मैंने, वरुण ग्रोवर और भी बहुत सारे बहुत हैं। तो उनको देख के लगा कि यार ये तो अपने ही तरह की बातें कर रहे हैं और एक बहुत ही जमीन से जुड़ी हुई बातें कर रहे हैं और लोग हंस रहे हैं, ये दिल्ली मुंबई वाली जनता इस पे हंस रही है, तो मुझे लगा कि ठीक है किया जा सकता है
अभी मोस्टली दिल्ली और बनारस में ही कर पाया हूँ मैं, बट आने वाले एक डेढ़ महीने में मैं हिंदुस्तान के लगभग सभी छोटे बड़े शहरों में मैं ये शो करूँगा और बिल्कुल उम्मीद है कि लोग देखें इसे. बिल्कुल देखेंगे देखेंगे ज़रूर देखेंगे. और हाँ, मैं एक चीज़ आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने अभी तक मेरा स्टैंड अप वीडियो नहीं देखा है, यूट्यूब पे मेरा स्टैंड अप वीडियो है, रवि गुप्ता आप डालेंगे यूट्यूब चैनल का नाम है, कहीं हम डाल देंगे दिख जाएगा. हाँ, तो उस पर आप एंटर करोगे रवि गुप्ता, आपको वीडियोस मेरे अभी दो वीडियो पड़े हुए हैं, तीसरा वीडियो जल्दी आएगा एक डेढ़ हफ्ते के बाद आपके पास. तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और अपने दोस्तों के साथ मचा के शेयर करो एकदम बढ़िया से, वो सबसे ज्यादा जरूरी है. थैंक यू थैंक यू.